इराक के फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 लोग घायल हो गए। घटना इराक में 4 दशक बाद हो रहे इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान हुई, जब मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग बसरा स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके में इकट्ठे हो गए थे। इराक के फुटबॉल फेडरेशन ने बताया कि फाइनल की 90% टिकट काफी पहले ही बिक गई थी, जिससे हजारों किलोमीटर दूर से मैच देखने आए लोगों का गुस्सा फूट गया। फुटबॉल फैन नाराज होकर स्टेडियम के बाहर जुटना शुरू हो गए, जिसके बाद इतनी भीड़ हो गई कि भगदड़ मचने लगी। रिपोर्ट मुताबिक बसरा इंटरनेशनल स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। हालांकि गुरुवार को अरेबियन गल्फ कप का फाइनल मैच देखने के लिए 65,000 से कहीं ज्यादा लोग जुट गए थे। इतनी तादाद में लोगों को जुटता हुआ देख स्टेडियम के सभी गेट बंद कर दिए गए।